नमस्कार दोस्तों, मैं बप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो में लेके आ गए हैं। आपको भी पता है पटना सिविल कोर्ट का एग्जाम जो 30 अप्रैल का है उसका एडमिट कार्ड दे दिया गया है। सबसे जरूरी बात इसमें हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम एक ही शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एग्जाम 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी। दोस्तों आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे से लेकर 11 बजे तक है। सबसे जरूरी बात जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो एडमिट कार्ड दे दिया गया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ में 2 एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। कैसे करना है, कहाँ से करना है, इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो न्यूज निकल के आ रही है, जो अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में बता रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों बात करते हैं, आपको भी पता है, बहुत दिन से पटना हाईकोर्ट का एग्जाम जो स्टेट वाले हैं, आपको भी पता है, उसी को लेके पटना सिविल कोर्ट का एग्जाम लटका हुआ है, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम लटका हुआ है। तो दोस्तों पटना हाईकोर्ट का एग्जाम आपको भी पता है 30 अप्रैल को संडे का दिन है, जो कि एक शिफ्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक एग्जाम होगा, जिसमें आपको 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ही एंट्री टाइम है। दोस्तों उसका एडमिट कार्ड दे दिया गया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लिए। 2 एडमिट कार्ड दिया है, दोनों एडमिट कार्ड का आपको डाउनलोड करना है, और एडमिट कार्ड को कलर में डाउनलोड करना है, और उसमें एक पासवर्ड साइड आपको फोटो लगाना है और उसमें भरना है, जितना चीज उसमें दिया हुआ है अच्छा से आपको भर लेना है। हाँ, और साथ में जिस समय आप फॉर्म भरे थे उस समय जो डॉक्यूमेंट दिए थे स्कैन करके चलाए थे, वही डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है आईडी प्रूफ के तौर पे, और वही आईडी प्रूफ को आपको जीरोक्स कर लेना है, क्योंकि जीरोक्स कॉपी वहाँ पर रखा जाएगा। और 2 एडमिट कार्ड इसलिए दिया गया है, 1 एडमिट कार्ड आपको जो वहाँ एग्जामिनर है आपको साइन करके दे देंगे, और 1 एडमिट कार्ड वो जमा कर लेंगे, और जो आईडी प्रूफ दिए वो भी जमा कर लेंगे। इसलिए और बहुत सारा स्टूडेंट का अभी तक सवाल ही आ रहा है, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। लीजिए, लाइनें कट गया दोस्तों, लाइन कट गया था इसलिए बाहर आ गए हैं, देख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए, वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और अच्छे से डाउनलोड कीजिएगा, दोनों एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, और जो उसमें फिलअप करने के लिए दिया है अच्छे से भरिएगा, और एक अच्छा सा पासवर्ड साइड आपको फोटो चिपकाना है उसमें, और दोनों एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना है, साथ में एक आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना है, जो आईडी प्रूफ दिए थे जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय, और 2 बजे से लेके 12 बजे से लेके 2 बजे तक आपका एग्जाम होगा, 10 बजे से लेके 11 बजे तक ही एंट्री होगा, 11 बजे के बाद आप जा ही नहीं सकते। आई होप कि इस वीडियो में जो बताना चाह रहे हैं हम बता दिए हैं, अच्छा से आप बिहार सिविल कोर्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।